फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारे कौन से फैक्टर्स हैं क्या वो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं या वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि हमारे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बेसिकली वन लर्निंग इज़ कमिंग और वन लर्निंग इज़ स्टोर ऑलरेडी इन योर माइंड एंड देन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड देन द लर्निंग इज़ कमिंग फ्राम द अदर सोर्स एंड यू हैव ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अबाउट वन टॉपिक सो यू नो दीज बहुत टाइप्स ऑफ लर्निंग कैन बी कैन करिएट एन एक्सीडेंट एक्सीडेंट मीन्स टू टू फोगेट इंफॉर्मेशन और टू टू क्रिएट प्रॉब्लम इन ट्रांसफिंग मेमरी और लर्निंग तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ कल्चर है इसमें एक फैक्टर जो है हमारा कल्चर जो है वो किसी चीज़ को सीखने में प्रॉब्लम कर सकता है जैसे uh, हमारी अगर सोसाइटी uh, को अगर आप देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर कोई ये है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट मैन बनना चाहता है तो हमारी सोसाइटी इतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं करती तो इस तरह एक लर्निंग को सीखने में कल्चर भी इम्पेक्ट कर सकता है लेकिन बहुत से आर्टिस्ट लोग बनते हैं अपनी चॉइस से और उसके बाद इसी तरह से अगर कोई uh, हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसे शोबे हैं जैसे डांसर्स हैं या इसी तरह म्यूज़िक का शोबा है तो हमारे कल्चर में कुछ बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो बात किसी चीज़ की लर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ़ लर्निंग जो है वो कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से भी डिस्टर्ब होती है इसी तरह से लर्निंग इज़ डायनामिक लर्निंग तो ऑन गोइंग प्रोसेस है उस लर्निंग उसकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तेज़ी से होती है जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए तो डायनमिक हो जाती है एक्टिव हो जाती है अब एक जो है बस आपने बोलते जा रहे हैं अगला आपको सुनता जा रहा है और आपको आपने उसका आजकल इसको याद करके आपने आ जाना है तो उसमें चूंकि डायनामिक नहीं है वो चीज़ हमें याद भी नहीं रहती और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है देर तक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होने में भी प्रॉब्लम होती है तो समझ के जो भी चीज़ आप लर्न करते हैं उसकी जो है एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है मेंटल मॉडल्स हैं आपका माइंड जो है वो पहले ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है पहले ही इतना डिस्टर्ब है तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टॉशन की वजह से जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा लर्निंग स्ट्रैटजीज़ हैं हाउ यू आर लर्निंग हाउ योर टीचर इज़ गिविंग यो इन्फॉर्मेशन तो अगर टीचर की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है याद कराने वाली सिर्फ रोड मेमोराइजेशन है तो उससे भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो सक्सेसफुली नहीं होती मोटिवेशन टू लर्न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन जो है किसी भी चीज़ से या एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन uh, बड़ी इम्पॉटेंट है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए तो अगर आप बड़े ही ज़्यादा जो हैं वो मोटिवेटेड हैं कि आई विल लर्न इट तो फिर आप बड़ी जल्दी उसको लर्न करेंगे और ट्रांसफ़र लर्निंग जो है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को आसान भी बनाया और मुश्किल भी तो ट्रांसफ़र ऑफ़ लर्निंग जो है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हम इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं जैसे वीडियो आप दिखा दें कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो फो बड़ी जल्दी बच्चे सीखते हैं और वो जो 20 दिन से आप एक बात बच्चे को कह रहे हैं वो बच्चे एक वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन जो है उनके माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो ट्रांसफर फॉर लर्निंग के लिए टेक्नोलॉजी भी बड़ी हेल्पफुल है तो उसके बाद पॉजिटिव ट्रांसफ़र है क्या होता है दिस यूजली अकर्स वेन द टू स्किल्स इन क्वेश्चन आर सिमिलर इन सम वे जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी कि एजुकेशन का एक सब्जेक्ट हो और साइकोलॉजी का थेरी आप एक ही पढ़ रहे हैं फॉरगेटफुलनेस का कॉन्सेप्ट अगर आप एजुकेशन में भी पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं एजुकेशन में आपने ये वाली कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ और साइकोलॉजी में आपको उन्होंने कोई और थेरिस्ट के हवाले से पढ़ाना शुरू किया है तो अगर तो वो वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपने एजुकेशन में पढ़ी है फिर तो आसानी से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है अगर वही वाला कॉन्सेप्ट किसी डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं तो फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी तो सिमिलर इवेंट्स और सिमिलर इंफॉर्मेशन जो है अगर वो दोबारा से लर्न की जाए तो पहले से सीखी हुई इन्फॉर्मेशन आपको दूसरी इन्फॉमेसन सीखने में हेल्प करेंगी इसी तरह से नेगेटिव ट्रांसफ़र है जो मैं अभी बता रही हूँ दिस अकर वन हैविंग लर्न वन स्किल मेक्स लर्निंग द सेकेंड स्किल मोर डिफिकल्ट कि पहले से अगर मैंने ना ये सीखी होती चीज़ तो मुझे दूसरी चीज़ सीखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी तो इसलिए बाजुकात एक स्किल सीखी हुई सिमिलर uh, स्किल को सीखने में हेल्पफुल हो सकती है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट्री uh, नहीं है तो अगर एक पहले से सीखी हुई इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट्री है तो फिर आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है